दोस्तों, जैसा कि फ्री फायर में आपको इस तरीके का प्रॉब्लम्स आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर लॉगिन होने के बाद दोस्तों बैक बैक आने का ऑटोमेटिक ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम्स अभी आ रही है फिलहाल, और जब भी आपको आए तो कैसे सोल्व करना है, कुछ मेथड हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा और इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले आप स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करने के बाद यहाँ पर स्टोरेज पर आए और क्लियर कैश कर दीजिए। अगर आप क्लियर डाटा कर देते हैं तो आपका 1.73 GB, जो 1 GB है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी लगभग 2 GB हमने इसमें। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सिर्फ ये करना है क्लियर कैश। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, फिर एक बार लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे, जैसे ही वो चीज़ करने के बाद फिर दोस्तों आपको करना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसी चीज़ आपने अपने मोबाइल के अंदर की हुई है जिस कारण से वो आ रहा होगा प्रॉब्लम, तो वो सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने देख ली, कुछ नहीं किया दोस्तों, अब हमको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको पहले तो ये ट्राई करना है कि ऐसा हो रहा है या नहीं। तो अगर आपको इस तरीके का वेट का आ रहा है बार बार, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, या इस वाले पर, मतलब आप जीमेल से खेल कर देख सकते हैं अगर रहा है। ऐसे में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में दोस्तों आप एक और तरीका कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप हेल्प दे आंसर पर जो क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर काफ़ी फीडबैक सजेशन और आप सजेशन दे सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप मतलब आपको पढ़ सकते हैं, अगर आपको नहीं है तो आप नो कर दीजिए और कॉन्टेक्ट पर क्लिक कर दीजिए, और दोस्तों लॉगिन इशू पर क्लिक कर दीजिए, और फिर दोस्तों आपको लॉगिन इशू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन इशू पर क्लिक करेंगे, इंटर दे मैसेज कर देते आपके पास ये आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि लिंक दिया उन्होंने कि भाई ये एग्जिट प्लीज रीसेट यूर सोशल नेटवर्क थ्रू विच यू लॉग इन एंड कनेक्ट टू नेट वाईफाई मोबाइल डाटा, ये करके देख लीजिए। ये चीज़ें करने के बाद बताई हुई है, तो दोस्तों आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। दोस्तों आप इस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपको नहीं होती। तो दूसरा दोस्तों आपको क्या करना है कि अब आपको रिपेयर वाले पे क्लिक करना है और रीस्टोर डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर आप ये कर देंगे तो रिपेयर करके देख लें अपनी गेम को। अगर रिपेयर करने के बाद आपका जो गेम प्ले चालू होता है तो दोस्तों आपका गेम प्ले चालू हो सकता है, नहीं तो दोस्तों आप ये समझना जो हम आगे बताएंगे कि आपके गेम में क्या प्रॉब्लम्स है। तो दोस्तों अब दोबारा से हमने लॉगिन किया, रिपेयर करने के बाद दोस्तों आपका जो रिपेयर वाला सिस्टम है इसमें क्या होगा, MB भी रहेगी और कुछ नहीं होगा। आपका जो रिपेयर से कुछ 36 MB दोबारा से डाउनलोड हो जाएगी। क्या क्या होगी दोबारा से रिपेयर करने से क्या होता है, ये आपके सामने ही मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या रिपेयर करने से होने वाला है। तो दोस्तों ये रिपेयर करने के बाद आपके पास जो 36 MB लगी थी, फिर आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों देखते हैं कि ये चलता है या नहीं। तो दोस्तों अगर रिपेयर करने के बाद दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस आए, यानी अब दोबारा से चलने के चांस लग रहे हैं कि अब चल जाएगा, क्योंकि इतने मेथड हमने कर दिए जो इसमें होते हैं, तो मोबाइल को बंद करके भी आप चला सकते हैं अगर नहीं चल रहा है तो। क्यों, कई बार एरर आ जाता है, अनइंस्टॉल तो करना ही मत, थोड़ी देर बाद अपने आप जब नेटवर्क जो है वो सही हो जाएगा तो चल जाएगी। अगर इस तरीके से रुक के रहता है तो दोस्तों ऐसे में आप समझ ही लेना कि नेटवर्क सर्वर लॉगिन पे ट्राई अगेन। तो दोस्तों यहाँ पर ये बता रहा है कि सर्वर में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है फिलहाल, तो आप दोबारा से खेल कर एक बार चेक कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल सर्वर में प्रॉब्लम्स है। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।